long years ago, we made a tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. बदलती हुई दुनिया में बदलते हुए हिंदुस्तान में रहते हैं और अगर हम तेजी से नहीं बदलते उसी के साथ तो हम पीछे रह जाएंगे. हमें बदलना है, हमें विज्ञान को बढ़ाना है, हमें अपनी मेहनत करके इस मुल्क में नए तरीके निकालने, कारखाने बनाने, खासकर हमारी खेती की तरक्की करनी है क्योंकि वो जड़ है हिंदुस्तान की. यहाँ के किसान उसकी पीठ है, जड़ है, जो कुछ कहिए. लेकिन जब ही हैं, जब ही तक वो ठीक हैं, जबकि आजकल की दुनिया को समझते हैं और आजकल की दुनिया के तरीकों को लेते हैं, आजकल के औजारों को इस्तेमाल करते हैं, आजकल के हल चलाते हैं, और ये नहीं कि हजार बरस पुराने के औजार चला रहे हैं. दुनिया बदल गई, खेती हजार बरस पुरानी रही, इसमें हम पिछड़ जाते हैं. हमें बदलना है, ये हम बदल रहे हैं. एक दिन आने वाला है बहुत जल्दी जबकि कोई बच्चा हिंदुस्तान में नहीं रहे जिसको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला है. हमारा स्वास्थ्य बावजूद आबादी बढ़ने के लोगों की सेहत ज्यादा अच्छी है. क्यों सेहत अच्छी है? इसलिए कि उन्हें खाना अच्छा मिलता है पहले के मुकाबले में. पहले जो फाकी मस्ती थी अब नहीं होती. बास की होती हो मैं नहीं कह सकता लेकिन आमतौर से नहीं होती. सेहत अच्छी है, सबसे बड़ी बात सेहत में खाना मिले. सबसे जरूरी बात है एक कौम के लिए खाना उसको मिले, कपड़े मिले, घर रहने को मिले, उसके स्वास्थ्य का प्रबंध हो और उसके पढ़ाई का हो और उसके काम का हो और उसके काम से ये सब बातें हों. ये हमारा ध्येय मकसद है. मेरा ख्याल है जिस रास्ते पर महात्मा जी ने हमें चलाया था, जिसमें हम लोग कमजोर थे, दुर्बल थे, फिर भी हमने कुछ हिम्मत भर दी थी, हमें भी कुछ सिपाही बनाया था, उसी रास्ते पे हमें चलना है. सिपाही खाली वर्दी पहन के फौजी लोग नहीं होते. सिपाही हर एक आदमी होता है जो काम को उठाए सिपाही की तरह से करे. मुल्क के जो बड़े काम होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते. एक पुश्त अपना फर्ज अदा करती है फिर दूसरी पुश्त आती है और आगे बढ़ती है. इस तरह से अगर हमारे इस जमाने के लोगों के हाथ में एक मसाल है मुल्क की आज़ादी की तो उनका फर्ज है उसको ऊंचा रख के जलते रहने दें और जब उनके हाथ कमजोर हों तो औरों को पकड़ाएं, जवान हाथों को आगे बढ़ें.